Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the Accountancy and Financial Management Semester 4. Some important theory questions I will be giving you. These theory questions will help you to answer all the objectives also. So watch the video till end. So here are the theory questions of SYBCOM Accountancy and Financial Management Semester 4. So कुछ theory questions मैं आपको देने वाला हूँ जो आपके exam से related काफ़ी important बन जाते हैं, और अगर आप ये questions को prepare कर लोगे तो इसका benefit आपको objectives solve करने के लिए भी हो सकता है. सो यूजुअली क्या होता है, हम सिर्फ practical चीज़ें पढ़ते हैं और हम theory को ignore कर लेते हैं. अगर हम अभी का overall पेपर पैटर्न देखें या अभी का अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100 मार्क्स में से ओनली 60 मार्क्स के लिए आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. रिमेनिंग 20 एंड 20 मार्क्स, दैट इंडिकेट्स 40 मार्क्स के लिए आपको थियरी एंड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है. 20 मार्क्स फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स एंड 20 मार्क्स फॉर योर थियरी क्वेश्चंस. सो थियरी क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं. दो थियरी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 10 मार्क्स ईच के. उसके ऑप्शन में आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करना है, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में आपको 4 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं 6 शॉर्ट नोट्स में से, और आपके पास वहाँ पे 2 शॉर्ट नोट्स का ऑप्शन बन जाएगा. इसीलिए 4 शॉर्ट नोट्स विल बी कैरिंग 20 मार्क्स एंड दैट विल बी 5 मार्क्स ईच. तो पहले हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ नंबर 1, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. तो दोनों आपको प्रिपेयर करने हैं. एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स भी करना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी करना है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रूल्स फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स इशू करने के क्या क्या प्रोविजन्स है, क्या क्या रूल्स है, वो आपको प्रिपेयर करना है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज. तो पहले चैप्टर्स जो आपको दिए हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर्स है, कंपनी रिलेटेड पॉइंट है, उसमें से मैक्सिमम थियरी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड नहीं है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स. तो आपको प्रोसीजर भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि इशू ऑफ शेयर्स करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है. द नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज शॉर्ट नोट्स ही हम एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हैं, विच विल बी कैरिंग 20 मार्क्स, एनी 4-5 मार्क्स ईच. द फर्स्ट इज सोर्सेस ऑफ बोनस शेयर्स, देन द नेक्स्ट इज स्वीट इक्विटी शेयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो वो भी आपको पढ़ना है. नेक्स्ट इज इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से ये क्वेश्चन आ सकता है. सो दीज आर दी ओवरऑल शॉर्ट नोट्स. द नेक्स्ट इज बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग के बारे में आपको पढ़ना है. नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. देन द नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व, जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में हम करते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो उसके बारे में आपको लिखना है. नेक्स्ट इज वेस्टिंग असेट्स. देन द नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है. देन द नेक्स्ट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन मेथड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Then the next is types of preferences. So here are some short notes which I have prepared from all the chapters. So if you are preparing the short notes, this will be helpful for you to attempt the accountancy and financial management semester 4 examination. And since all of you are preparing for the practical questions, but nobody is interested to prepare for the theory, so if you are comfortable with these theory questions, this will be also helpful for you to attempt the theory as well as solve the all objectives which can help you to score good marks in the examination. So that's it, here was the video. Agar video अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक
करना, सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, एंड ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी ये जो क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए उसका बेनिफिट मिल पाए। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ अकाउंटेंसी का, जैसे अभी मैंने आपको थियोरी क्वेश्चंस दिया है वैसे आपको ऑन एन एवरेज 10-10 MCQs प्रोवाइड करते रहूँगा हर चैप्टर में से। जो MCQs भी अगर आप देख के गए तो एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारे MCQs आपको उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, जिसके वजह से आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है और आपके ऑब्जेक्टिव्स भी करेक्ट हो सकते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट्स इट, बाय बाय, टिल देन वर्क हार्डर बी स्मार्टर।